काफी अरसे लंबे समय के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अब बाजारों में लगे पोस्टर पर नजर आए हैं। अमृतसर में आज अपने गृह स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए उनका कहना है कि भाजपा जो आज आरोप लगा रहा है उससे पहले वह अपने गिरेबान में झांक ले, क्योंकि सिद्धू ने पंजाब की सेवा के लिए देश के किसी शहर से लोकसभा की सीट नहीं ली, साथ ही राज्यसभा पंजाब के भले के लिए छोड़ दी। साथ ही आज नोटबंदी के लिए आम जनता को तंग किया जा रहा है। उनकी अपनी पार्टी अकाली दल ने 2 लाख करोड़ की संपत्ति बनाई, साथ ही उस पर रोक क्यों नहीं लगा रही है। बादल सरकार की संपत्ति के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। साथ ही सिद्धू के कांग्रेस में आने पर उनका कहना है कि उनके मन में आज भी कुछ शंका है, वही नोटबंदी की सोच को सही बताया है और साथ ही उसको लागू करने की नीति को गलत बताया। साथ ही भाजपा ने लोकपाल पास नहीं किया और भाजपा को चाहिए कि बड़े इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ो जो इस तरह का काम कर रहे हैं। वहीं नवजोत ने कहा कि वह व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। अमृतसर से हरजिंदर सिंह। भाजपा जब ये बातें कहती है उनको अपनी जमीर में झांकना चाहिए। सिद्धू परिवार को पंजाब की सेवा नहीं करनी होती तो उनको अमृतसर छोड़ के और वो भी किस लिए छोड़ा कि तुमने जो गलत लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, हमने उनका साथ नहीं दिया, इसके लिए हमें बोला गया यहाँ से छोड़ के हिंदुस्तान में कोई भी सीट ले लो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लोकसभा की सीट छोड़े, क्योंकि पंजाब की सेवा करनी थी, उसके बाद राज्यसभा दी वो भी छोड़ी, क्यों? क्योंकि पंजाब की सेवा करनी है और शुरू से बोला कि अलग हो, मौका दो 117 सीटों लड़ने का और हम पंजाब का भला करना चाहते हैं। तो वहां से अगर तुम ऊपर से कहते हो बहुत ईमानदार है, आज ईमानदारी के लिए डिमोनेटाइजेशन हो गई है जी, ईमानदारी है, हमने करप्शन मुक्त करनी है, तो जो मोस्ट करप्ट हिंदुस्तान की सरकार है, जो बादल सरकार है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई, 2 लाख करोड़ की तो उनके पास प्रॉपर्टी है। अगर आज पंजाब की बात करें, कर्जा दूर करना है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, आपको 2000 लाख करोड़ मिल जाएगा। देखो वो बात, इस बात का जवाब वो ही दे सकते हैं, और जब तक उनके मन में वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेते जब तक वो पूरी तरह से तैयार ना हो और उनके मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है या वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। एक दो तो आप कहते हैं जल्दी आ रहे हैं, दूसरी कहते हैं फैसला वो लेंगे। मैं फैसला तो वही लेंगे, अब मैं इस बात में कह ही नहीं सकती। कैसे श्योर कर रहे हैं वो जल्दी आ रहे हैं? नहीं, मैंने आपको पहले बोला था कि हमें एक आत्मा दो शरीर हैं, तो जहां आत्मा जाता है। सुखबीर बादल ने कहा है यार राजनीति घट ते सौदे ज्यादा करते हो। देखो हम ना राजनीति, हम राजनेता है ही नहीं। उन्होंने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि वो लीडर जो पैसे कमाते नहीं या ठगियां नहीं मारते, जमीनें नहीं दबते, झूठे पर्चे नहीं कराते, वो लीडर नहीं होते। तो मैंने कहा, तभी बोल दिया था कि मैं पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहती, मैं एक लीडर हूँ, चुनी हुई नुमाइंदे हूँ लोगों की, पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, सेवा है, और जो सेवा उनको भगवान ने मौका दिया उन्होंने नहीं की, पर मैं करूंगी, करती रही हूं और करती रहूंगी। नोटबंदी ये जो सोच है वो सोच बहुत अच्छी है, पर जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो इतना गलत है, क्योंकि वो गरीब लोग पिस रहा है, ट्रेड जीरो हो गई, जीडीपी कम से कम 2% से नीचे जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी, हमेशा लोगों को प्रिपेयर करते हैं। और फिर लोकपाल अभी तक सरकार ने पास नहीं किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गुहार लगा दी। पहले आपने सज्जे खब्बे जो इतने करप्ट लीडर्स बैठे हैं जो लोकसभा जीत के भी नहीं आए, पहले उनसे शुरू करो, जो सबसे ऊपर वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरे जो लाखों करोड़ों के घपले करती हैं, उनसे शुरू करो। आप क्या छोटे छोटे लोगों को लाइनों में लगा के क्या 50,000 50 लाख वालों को तंग किया हुआ है ना, उनको तो तुम वैसे, उनको तो वैसे ही तुम अलाउ करो। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो क्यों तंग हो, उसके घर में नोट है तो नोट प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए थी, कैसी इम्प्लीमेंटेशन है ये? फिर लीकेज नहीं होनी चाहिए थी, कैसे यूपी के उसमें आया, अखबार में पहले आ गया, प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई, तो वो पहले की स्टेटमेंट्स निकाले। और क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स वालों को इनको फटकार नहीं लगानी चाहिए? आपको पता नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट में या एक पूरी स्टेट में कौन से लोग हैं जो बहुत बेईमान हैं, जो बहुत घपला करें? अरे उनके घर इनकम टैक्स के छापे मारो, पहले उनको कंट्रोल करो, उनके नोट जब्त करो। आम बंदों को तंग करके क्या हो जाएगा, क्या निकाल लोगे उसमें से?